इस वीडियो में हम एडिशन ऑफ मैट्रिसेस सीखेंगे, दो मैट्रिक्स को कैसे ऐड करें। तो मान लीजिए लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिसेस ईच ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन। ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, दोनों की ऑर्डर जो है वो है एम क्रॉस एन। देन देयर सम ए प्लस बी इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन एंड इज ऑब्टेंड बाई एडिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। अगर दो मैट्रिक्स हैं ए और बी और दोनों की जो ऑर्डर है वो एम क्रॉस एन है, तो जो मैट्रिक्स ऑब्टेंड होगी हमें ए प्लस बी करने के बाद वो मैट्रिक्स भी एम क्रॉस एन ऑर्डर की होगी और ए प्लस बी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट कैसे ऑब्टेन किए जाएंगे, हमें ए और बी के करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना होगा ए प्लस बी के एलिमेंट्स को ऑब्टेन करने के लिए। मान लीजिए लेट ए बी अ मैट्रिक्स हुज एलिमेंट आर ए आई जे एंड द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज एम क्रॉस एन। सिमिलरली B is a matrix whose elements are Bij and the order is M cross N. तो जो A plus B matrix हमें मिलेगी इन दोनों matrix को add करने के बाद वो होगी Aij plus बी आई जे फॉर आई इज इक्वल्स टू वन टू थ्री अप टू एम। एंड जे इज इक्वल्स टू वन टू थ्री अप टू एन। एक चीज यहां पे नोट करने वाली है कि जो मैट्रिक्स का सम होता है वो तभी डिफाइंड होता है जब ए और बी दोनों सेम ऑर्डर के हों। ए प्लस बी मैट्रिक्स इज डिफाइंड only when A and B both matrices are of same order. दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए हमें जो मैट्रिक्स ए और बी मिलता है वो दोनों मैट्रिक्स की जो ऑर्डर है वो सेम होनी चाहिए। आइए अब एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है, उसके जो एलिमेंट्स हैं वो हैं वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स। सिमिलरली दूसरा जो मैट्रिक्स है बी, चूंकि हमें इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है इसलिए जो बी मैट्रिक्स होगा उसकी भी ऑर्डर वही होगी जो ए मैट्रिक्स की है। तो ए मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या है, टू क्रॉस थ्री। तो बी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो भी टू क्रॉस थ्री का ही होगा। तो मान लीजिए जो B के एलिमेंट्स हैं वो हैं 8, 9, 4, 7, 6 एंड 5। हमें इन दोनों मैट्रिक्स मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B को ऐड करना है। तो मैट्रिक्स A प्लस B जो ऑप्टेन होगी
वो भी 2 क्रॉस 3 की ही होगी, और जो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट मैट्रिक्स ए की और करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट मैट्रिक्स बी के दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो मैट्रिक्स ए का जो पहला एलिमेंट है A11 और मैट्रिक्स बी का जो पहला एलिमेंट B11, दोनों जब जुड़ेंगे तो 8+1 9, ये मैट्रिक्स ए प्लस बी का पहला एलिमेंट होगा। मान लीजिए मैट्रिक्स ए प्लस बी सी के बराबर है तो ये हो जाएगा C11। उसी तरह से C12 की वैल्यू जो होगी वो होगी A12+B12 यानी 2+9, यानी C12 की वैल्यू हो जाएगी 11। C13 की वैल्यू क्या होगी? A13+B13 यानी 3+4 7। ऐसे ही C21 की वैल्यू क्या होगी? A21+B21 4+7 11। सिमिलरली C22 की वैल्यू क्या होगी? A22+B22 यानी 5+6 दैट मीन्स 11। सिमिलरली C23 की वैल्यू क्या होगी? A23+B23 यानी 6+5 11। सो जो मैट्रिक्स सी हमें ऑप्टेन हुआ बाई एडिंग ए प्लस बी वो है 9 11 7 11 11 11।